गति कहौं तोहि पाहि। सावधान सुनु धरु मनु माहि। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसर रति मम कथा प्रसंग। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन, करई कपट तजिगान। श्यावर राम चंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। बोलो भाई सब संतन की। दो सत्ता मानी जाती है इस सृष्टि में, जहाँ हम लोगों का जन्म हुआ, हमारी दिनचर्या हो रही है, इसमें मूलभूत दो सत्ता स्वीकार की जाती है, एक पुरुष की और एक प्रकृति की। पुरुषा प्रकृति स्थोपी, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है। पुरुष एक है, प्रकृति में अनेक भेद हैं। प्रकृति के अंदर 24 तत्व हैं, जिन 24 तत्वों से सारा जगत बना, हमारा शरीर भी बना। प्रकृति में भेद है, पुरुष में अभेद है। प्रकृति करता है, वो सृष्टि को बनाती है, सृष्टि को की रचना करती है। पुरुष करता नहीं है, पुरुष भोक्ता है। हमारा हाथ प्रकृति का है, पांव प्रकृति का है। ये हाथ जड़ है, पांव जड़ है, लेकिन इस जड़ को शक्ति देने वाला भीतर मैं हूँ। जो मैं हूँ वह मैं पुरुष हूँ, और ये शरीर के जितने अंग हैं ये प्रकृति का हिस्सा है। पांच ज्ञान की इंद्री है, पांच कर्म की इंद्री है, पांच प्राण है, चार अंतःकरण है। पांचों ज्ञान इंद्रियां पांच विषयों की तरफ दौड़ती हैं। ये सब प्रकृति का अंश है, अपने आप में काम नहीं कर सकती। ये पुरुष इसको शक्ति देता है, तबे चलती हैं। मैं जिंदा हूँ तो आँख देखती है, मैं जिंदा हूँ तो कान सुनता है। समस्या कब पैदा होती है? जब यह जीवात्मा जो पुरुष है, चेतन का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, ये जो चेतन पुरुष है, ये प्रकृति के भीतर बैठ जाता है और प्रकृति को अपनी मान लेता है, तब इसके जीवन में दुख शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति अगर नाव में बैठ जावे और नाव इस पार से उस पार चलने लगे, मल्लाह खेने लगे, तो आदमी ना भी चाहे तो उसका शरीर हिलेगा। मैं ना भी चाहूं और ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल रही है, तो मेरे शरीर को झटका लगेगा। मैं ना भी चाहूं तो, क्योंकि बैठा हूं ट्रेन में, बैठा हूं नाव में। उसी प्रकार से यह पुरुष इस प्रकृति के भीतर बैठ गया, और जब बैठ गया तो प्रकृति की चीज़ों से अपनापन बना लिया। जब अपनापन बना लिया, तब ते जीव भयो संसारी। एक सरल सा सिद्धांत समझो, बहुत सरल सा। जिस चीज को आप मेरा कहते हो वो प्रकृति का अंश है, वो आपका नहीं है। जिसके साथ आपने कहा मेरा, उससे आप अलग हो। मेरा हाथ, मेरा पांव, डॉक्टर साहब देखो मेरी आंख में दर्द हो रहा है, आपने आंख के लिए एक शब्द लगाया मेरा, मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे पांव में दर्द हो रहा है। जिस चीज को आपने मेरा से संबोधित कर दिया, वो प्रकृति का हिस्सा है पूरा का पूरा। एक बहुत आसान सा विभाग समझने के लिए,
मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा संसार, जिसको मेरा कहा, वो सब प्रकृति का अंश। जब मैं वैद्य जी से कहना शुरू किया, डॉक्टर साहब मेरी आंख में दर्द है, तो आंख को कहता हूं मेरा, लेकिन आंख में देखने की शक्ति चली जावे किसी दिन, भगवान ना करे मेरी, तो मैं कहूंगा मैं अंधा हो गया। दोनों शब्दों पर गौर करना, आंख मेरी थी लेकिन अंधा कौन हो गया? मैं अंधा हो गया, मैं लंगड़ा हो गया, मैं लूला। आप यही कहोगे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब मेरे पाँव में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, वहाँ पर जाके कह रहे हो कि मेरा चीज है, मुझसे अलग है, जिसको मेरा कहता हूँ उससे मैं अलग हूँ, लेकिन जब उसमें कोई तकलीफ हो गई तो उसके साथ इतने चिपक गए आप कि आप कहना शुरू कर दिया मैं लूला, मैं लंगड़ा, मैं अंधा, मैं बहरा, मैं बुढ़ा। आप वृद्ध हो क्या? आप वृद्ध हो कि शरीर? शरीर वृद्ध हो कि आप? तो कैसे कहते हो मैं वृद्ध हो गया? कैसे कहा? ए है जीव, वो जो चेतन है पुरुष, वो प्रकृति में बैठ गया, जिसके कारण जीव संसारी हो गया। जब कभी संत की कृपा मिले और संत की कृपा से विवेक मिला मुझको, बुद्धि हमारी जगी, थोड़ी प्रज्ञा शक्ति जगी, और हमने दोनों को अलग अलग किया। इसीलिए हमारे शास्त्र में पहली सीढ़ी है विवेक की, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सही। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के विवेक नहीं जाता। होई विवेक मोह भ्रम भाग, होई विवेक मोह भ्रम भाग, ये सब रामायण की चौपाइयां हैं। विवेक माने दो चीजों को अलग अलग करके समझना। जब दो चीजें आपस में मिली हुई आमे तो बुद्धि जगी होगी, तो आदमी उसमें से चावल में से कंकड़ अलग मिल लेगा। बुद्धि जगी होगी तो, विवेक शक्ति होगी तो, चावल लेके मैंने दाल लेके बिनना शुरू किया, कंकड़ निकाल करके फेंक दिया, क्योंकि विवेक हमारा जगा हुआ। एक अच्छी चीज है, एक नासमझ की चीज है, एक नित्य है एक अनित्य है, एक जड़ है एक चेतन है, दोनों मिल गए हैं, दोनों को अलग अलग करके समझ लो। एक प्रकृति का है, एक पुरुष का है। पुरुष कौन है? वो सच्चिदानंद है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म। पुरुष को हमने कहा सत, वो सत है, तीनों काल में रहता है, जिसका कभी अभाव नहीं है, और प्रकृति है परिवर्तनशील, क्षण क्षण में बदल रही। कल कैसी थी आज कैसी हो गई, कल हम बालक थे आज जवान हो गए, प्रकृति बदल गई, लेकिन मैं में कोई परिवर्तन नहीं। जिसने साधना करके गुरु की कृपा से सुना, साधना करके दोनों को अलग अलग कर लिया, और अब अपने मैं को, अहम को शरीर के साथ नहीं बल्कि सत के साथ जोड़ दिया, मैं सत स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, जिसने अब ये अपने आप का अनुभव कर लिया, स्वयं को सत में प्रतिष्ठित करने वाले का नाम हुआ संत। हमारे एक महाराज श्री अखंडानंद महाराज कहते थे, बड़े प्यार से कहते थे, जो महान महान चीजों में अपने आप को बिठा के रखे, मेरा इतना बड़ा आश्रम, मेरे इतने बड़े चेले, मेरे इतना बड़ा धन, मेरा इतना बड़ा सम्मान, मेरा इतना बड़ा पद प्रतिष्ठा, जो अपने आप के अहम को महान महान चीज़ों से जोड़ के रखता है उसका नाम होता है महंत, और जो अपने अहम को केवल और केवल सत के साथ जोड़ के रखा है, मैं सत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं वह ईश्वर तत्व का एक छोटा सा अंश हूँ, ईश्वर अंश कौन? चेतन अमल सहज सुख राशि, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, शुद्ध स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जो ऐसा अनुभव कर लिया, उसी में निष्ठ हो गया, उसको हम कहते हैं संत। अपनी महिमा में
अब महान चीजें प्रकृति की चीजें उनके पास आवे तो भी उनको कोई घृणा नहीं है और चली गई तो उनको कोई अवसाद नहीं है। दोनों बातें समझना, मिलती हैं ऐसे संतों के पास चारों तरफ से, जैसे तालाब में चारों तरफ से जल भरता आ जाता है, ऐसे संतों के पास चारों तरफ से सम्मान वैभव संपत्ति सब आती है, घृणा भी नहीं है उनको, क्योंकि घृणा करने के लिए भी आपको उसकी महिमा को मान लेना पड़ता है। जिसका विरोध करते हैं उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेते हो, बिना किसी की सत्ता को स्वीकारे कभी विरोध नहीं करते हो। किसी ने हमारा विरोध किया, मैं दिल में बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, भले उस, अरे महाराज हमसे, हमारे शिष्य ने कहा उसने आपका विरोध किया, उसने आपकी बात का खंडन किया। हमने कहा आप ये तो समझो, उस मंच में 15-20 महात्मा बैठे थे और उस महापुरुष ने हमारी बात को लेकर के खंडन किया, इसका मतलब 15-20 लोगों ने 10-10 मिनट प्रवचन किया, मेरी बात ज्यादा मजबूत थी तब तो मेरी बात का खंडन किया। साधारण व्यक्ति का कौन खंडन करेगा? आप अगर विरोध भी करते हो, जिसका विरोध करते हो आप समझना अपने मन से उसको आपने श्रेष्ठ मान लिया। आदमी अपने से श्रेष्ठ का विरोध करता है, अपने से नीचे वाले का कोई विरोध नहीं करता, अपने से नीचे वाले से जलन नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, ईर्ष्या हमेशा होएगी अपने से बड़े वाले का, उसकी पहचान है। संत अपनी महिमा में, इसलिए उनका कोई विरोध ही नहीं है, चारों तरफ से धन मिल जावे वैभव मिल जावे कोई विरोध। हाँ दूसरी बात और है, तो फिर आपको हमारे उसमें फर्क क्या, फर्क ये है कि आपके पास से एक सुई चली जावेगी टूट जावेगी तो आपको रोना पड़ेगा, एक एक कांच का कप टूट जावे तो हाय हाय मैं इसको कनाडा से लाया था। संत के पास से सारी सृष्टि बिखर जावे तो भी कोई फर्क, एक संत अपनी महिमा में भ्रमण करते करते निकले कहीं दूसरे देश में, कोई एक सम्राट उसका शरीर शांत हो गया था, महात्मा जी पहुंचे उस नगर के किनारे एक वृक्ष के नीचे अपनी महिमा में विराजमान हैं, बैठे हैं ध्यान कर रहे हैं। सारे के सारे नगर के लोग जितने थे ढोल नगाड़ा लेकर के बजाते हुए आए, महाराज महाराज संत जी के गले में जयमाला डाली। महाराज ने कहा बात क्या हुआ? बोले महाराज हमारे यहाँ का राजा मर गया और हमारा असली गणतंत्र है लोकतंत्र। असली गणतंत्र समझते होंगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, समाज जिसको स्वीकार करेगा। हमसे किसी न्यूज वाले ने पूछा स्वामी जी लोकतंत्र, हमने कहा लोकतंत्र होता नहीं है, लोकतंत्र बहुत शिक्षित समाज के लिए होता है, जहाँ सब के सब प्रबुद्ध वर्ग हों बुद्धिजीवी हों वहाँ लोकतंत्र सफल होता है। जिसको पता ही नहीं वोट क्या होता है, जिसको पता नहीं सदन क्या होता है, जिसको इतना पता नहीं कि लोकसभा और राज्यसभा में फर्क क्या है, जिसको इतना पता नहीं विधानसभा विधान परिषद में क्या फर्क है, जिसको इतना पता नहीं कि एक का नागरिक का मौलिक अधिकार कितने होते हैं, वो क्या करेगा? लोकतंत्र शिक्षित समाज के लिए। सारा वो नगर के लोग महात्मा जी के पास आए, महाराज मैं राजा के बेटे को राजा नहीं बनाता, हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है गणतंत्र है, हम सब ने निश्चय किया है और हमेशा हमारे यहाँ की परंपरा चली आई है कि जो कोई भी महात्मा इस पेड़ के नीचे बैठा होता है राजा के मरने के बाद उसी को राजा बनाते हैं, आप हमारे राजा बन जाओ। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन महात्मा बने भिक्षा मांगे अब राजे बन के देख लेते हैं। ओ महाराज उनको बाजा गाजा के साथ ले आए, सिंहासन पर बिठा दिया, महाराजा धीराज की जय हो, महाराजा धीराज की जय हो, राजा बन गए। महाराज ये वस्त्र आपके अच्छे नहीं लगते, अब जैसा नाटक हो वैसे कपड़े भी तो पहनने पड़ते हैं, रंगमंच पर नौटंकी में जैसा नाटक करना हो, विश्वामित्र का रोल करना है महात्मा के कपड़े बनो, हरिशंकर का रोल करना है राजा के कपड़े बनो, चाहे नकली हो वे। महाराज ये वस्त्र अच्छे नहीं, कोई बात नहीं, एक एक संदूक ले आ, पेटी ले आ,
एक पेटी लाया गया, अपने कपड़े उतार के उसमें रख दिया, लाओ कौन सा पहनना है, बोले महाराज ये चमक मक वाला, वही पहन लिया, हमको क्या फर्क पड़ता है। महाराज मुकुट भी पहन लिया। कुछ दिन तक बड़ा बढ़िया शासन चला, क्योंकि संत हैं, अपनी कहीं ममता है नहीं, सब बढ़िया ठीक ठाक। मंत्रियों ने कहा महाराज राजा होवे और रानी ना होवे तो बात जमती नहीं। वन सपान टाइम यहीं से शुरू होता है, एक राजा थे एक रानी थे, आप शादी कर लो, उनका कर दो। किसी कन्या को ढूंढा गया, शादी भी हो गई। धीरे धीरे 15-20 साल समय बीता, सब बढ़िया, पूरा शासन बहुत बढ़िया, सारी प्रजा सुखी। लेकिन इनकी प्रजा सुखी देख करके दूसरा जो राजा था उसने कहा ये राज्य हड़पना चाहिए, बड़ा समृद्ध है, बड़ा अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सुखी हैं। उसने सेना एकत्रित किया, सेना एकत्रित करके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया राज्य पर, सारे सैनिक लोग भागे भागे आए, पूरी की पूरी सभा बैठी, राजन राजन वो पड़ोसी राजा ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया है। वो जो महात्मा थे उन्होंने कहा पहले ये बताओ वो राजा का स्वभाव कैसा है, उस राजा के राज्य में जो प्रजा है वो सुखी है कि दुखी। मंत्रियों ने कहा राजन ये हमने पता लगाया है, हमारे गुप्तचरों ने पता लगा लिया है, वो राजा स्वभाव से तो अच्छा है, उसके भीतर करुणा है, अपनी प्रजा को बच्चे के जैसा पालन पोषण करते हैं, उसके राज्य में भी सारी प्रजा सुखी है, बस उसके मन में अपने राज्य को बढ़ाने का लालच समा गया है, इसीलिए आक्रमण किया है। बाकी उसकी प्रजा सुखी है, उसकी प्रजा कभी दुखी नहीं होती। महात्मा जी ने कहा अरे जब उसकी प्रजा सुखी है, अपनी प्रजा का पालन करता है, अनावश्यक कर नहीं लगाता, किसी को सताता नहीं, अनावश्यक दंड नहीं देता, तो मैं राज भोगूं या उपभोगे क्या फर्क पड़ता है, ये मंत्री हो मेरा संदूकची ले या पुराना वाला। मंत्री ने संदूकची लाई, अब क्या, महाराज ने अपना वही कौपीन पहना, अंगबस डाला, बोले उसी को राज करने दो, ठीक ठाक, अगर वो पापी होता तब मैं युद्ध करता, अगर वो दुष्ट होता, प्रजा का पालन ना करता, तो मैं उसके खिलाफ खड़ा होता, लेकिन अब वो राज करे या हम करें क्या फर्क पड़ता है, प्रजा हमारी सुखी होनी चाहिए, अपना राम चले, ओम नमो नारायणाय भजन करते करते। आगते स्वागतम कुर्यात, आवे स्वागत करो, चला जावे कोई परवाह नहीं, उसका नाम है संतत्व, वो है संत की पहचान। घृणा नहीं है, इस बात पर बहुत सावधान रहना, घृणा बिल्कुल नहीं है। किसी ने ला करके 10 रुपया, ए हटा हटा मैं पैसा नहीं छूता, काहे के लिए घृणा, इसका मतलब पैसे की कीमत मैं मान रहा हूं तब तो कहूंगा मैं छूता नहीं, अरे वो तो मिट्टी है तो काहे का छूना। मिल गया कोई प्रसन्नता नहीं, चला गया कोई विषाद नहीं, हरसा मरस भयोद बे गई ही मुक्तो यह सचा मे प्रिया। हे अर्जुन जो हर्ष से आमर्ष से भय से उद्वेग से जो मुक्त है ऐसा संत मुझको बहुत प्रिय है, अपनी आत्मा से निबट। संत की पहचान वो अपने आप को सत में बिठाए हुए हैं, अपने सत स्वरूप में चेतन अमल सहज सुखराशि उस स्थिति में विराजमान। ऐसे संत के पास बैठ के आप सत्संग करिए, ये भक्ति की पहली सीढ़ी है। आज के समय में थोड़ी मुसीबत ये है कि ऐसे संत थोड़ा मिलना मुश्किल है, लेकिन जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पे, आप अभी भी मोती होता है समुद्र में मोती पैदा होता है, सीप होती है, लेकिन ज़्यादातर जितने लोग मोती खरीदते पहनते हो सब हैदराबाद का कल्चर्ड मोती, असली मोती तो कहीं कहीं पर हो गई। जिन खोजा तिन पाई, खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, ढूंढ भगवान राम ने ढूंढा, कन्हाई ने ढूंढा, दूसरे संत ने ढूंढा, सभी संतों के जीवन में है, उनके पास बैठ के थोड़ा चिंतन करो, विचार करो।
ऐसे संत जब बोलते हैं, ऐसे संत का दर्शन, उनकी सेवा, उनका उपदेश हमारे जीवन का कल्याण करता है। इस बात को मैं हमेशा कहूँगा, ध्यान रखना, ऐसे संतों के दर्शन से हमारे पापों का नाश होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे प्रज्वलित अग्नि के सामने जाने से हमारी सर्दी का नाश होता है, हमारा सिकुड़न, ठंडी हो रही, हमारा हाथ पांव कांप रहा है। आग के पास पहुंचे, आपको करना नहीं है कुछ, आग के पास पहुंचते ही आपकी सर्दी ही दूर होने लगती है। भयंकर से भयंकर गर्मी में जून के महीने में गंगा जी के किनारे घूमने चले जाओ, शरीर शीतल हो जाता है। ऐसे संतों के दर्शन करने से हमारे पाप का क्षय होता है, दर्शन से केवल। और अगर हमने जरा सी उनकी सेवा कर दी संत की, उन्होंने कहा बच्चा एक गिलास पानी पिला दो, हम एक गिलास जल ले आए पिला दिए। अगर संत की सेवा किया तो सेवा से पुण्य मिलता है, बिना क्रिया के पुण्य नहीं मिलता, दर्शन से पुण्य नहीं मिलता। आप इसको चाहे आज समझो, चाहे 10 साल के बाद समझो, चाहे 100 जन्म के बाद, दर्शन से पुण्य नहीं मिलता, दर्शन से आपके पापों का क्षय होता है। क्योंकि जो पुण्य है वो किसी कर्म का परिणाम होता है, किसी क्रिया का परिणाम। आप यज्ञ करोगे तब पुण्य होगा, दान करोगे तब पुण्य होगा, तीर्थ के लिए पांव से चल के जाओगे तब पुण्य होगा, आप कुछ ना कुछ अनुष्ठान करोगे तब पुण्य होगा। बिना क्रिया के पुण्य होता नहीं है। और हम लोग समझते हैं बस मंदिर का दर्शन कर लिए पुण्य हो गया, वहीं पर जरा सा कचड़ा पड़ा है उठा के फेंकने का भी शर्म लगी, फिर पुण्य नहीं हो गई। दर्शन से पाप का क्षय, सेवा करने से पुण्य का सृजन, पुण्य बढ़ता है, दो चीज। और जब कभी उनके पास बैठ के थोड़ा सत्संग सुन लिया, ज्ञान की बात सुना, महाराज मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आत्मा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान और हम में फर्क क्या है, जब कुछ भी हमने सुना, उस ज्ञान से हमारे भीतर के अज्ञान का नाश हो जाता है, अविद्या का नाश हो जाता है, जो मोह रूपी निद्रा है वो नष्ट होता है। जब संत बोलते हैं, संत सुनाते हैं, तो दो तरह की बात सुनाते हैं संत, दो तरह की। कभी कभी संत भगवान की कथा सुनाते हैं, प्रभु की कथा, अनंत नारायण, अनंत परमात्मा, भगवान शंकर जी का, भगवान हनुमान जी का, राम जी का, कृष्ण भगवान का, किसी न किसी, वो जो दिव्य परमेश्वर हैं, सृष्टि के बनाने वाले, चलाने वाले, प्रलय करने वाले, उन जगत के नियंता प्रभु की चर्चा करते हैं कभी कभी, और कभी कभी अपनी आप की चर्चा करते हैं। दोनों में फर्क समझना। कभी संत वो परमेश्वर की बात करेंगे और कभी आपके अपने स्वरूप की चर्चा करेंगे। जब आपके अपने स्वरूप की चर्चा करें तो उसको इतना ही सुन के जीवन में उतारने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा सुनने का पसारा वहाँ नहीं है। फिर वहाँ पर विचार करो, जैसे द्रोणाचार्य ने कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, मन के भीतर कोई जलन की वृत्ति ना हो, घृणा ना हो, ईर्ष्या ना हो, सत्य हो। सारे बच्चे याद कर लिए, युधिष्ठिर को नहीं याद हुआ 7 दिनों तक। ये शायद प्रसंग सुना होगा सबने, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, सबने सुना दिया, जितने भी थे कौरव पांडव सबके सब, सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, कड़वा सत्य नहीं बोलना चाहिए। 7 दिन तक युधिष्ठिर ने कहा अभी याद नहीं हुआ पाठ, एक शब्द। द्रोणाचार्य ने कहा अच्छा, एक थप्पड़ मारा सबके बीच में, कौरव पांडव सबके, सारे बच्चे, दुर्योधन दुशासन आदि, एक थप्पड़ मारा, इतना छोटा सा याद नहीं हुआ तुझको। जब थप्पड़ लगा थोड़ी देर के बाद में कहा गुरुदेव अब हमको याद हो गया। गुरुदेव ने कहा अच्छा, कभी कभी थप्पड़े लगने से याद होता है। युधिष्ठिर कहते हैं गुरुदेव
सत्यम बद सत्य बोलना चाहिए, लेकिन साथ में आपने शर्त लगाया था कि जलन नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। आपने जब हमको थप्पड़ मारा हमारे अपने भाइयों के सामने, हमारे भीतर कोई अपमान का एहसास नहीं हुआ, हमारे भीतर जलन नहीं हुई, ईर्ष्या नहीं आई, घृणा नहीं आया, तब मैं समझ गया कि सत्यम बद ये हमारे जीवन में उतरा, केवल वाणी से नहीं। द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र यही सत्य है, केवल शब्द को याद करना नहीं, जीवन में उतारना। जब हमको अपनी चर्चा संत ने सुनाया, आत्मदेव की चर्चा सुनाई, आपके साधना की चर्चा सुनाई, तो उसको इतना ही सुनो लेकिन जीवन में लाओ। कभी कभी संत का हृदय का भाव उमड़ा, उन्होंने प्रभु की चर्चा शुरू कर दी। भगवान कितनी करुणा करते हैं, भगवान कितने दयालु हैं। अरे अपना मान टले टल जावे, भक्त का मान न टलते। जब भगवान की चर्चा शुरू कर दिया संत ने, तब फिर आप जीवन पर्यंत सुनते रहो, फिर भगवान की कथा सुनने से कभी तृप्त मत। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन्ह जान। दोनों में फर्क करोगे तो समझ में आएगा। वहां पर ये नहीं कहा कि आत्मा की चर्चा जिंदगी भर सुनते रहो कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम सच्चिदानंद हो, ये नहीं कहा है वहां पे। राम कथा, प्रभु की कथा, अपने इष्ट देव की कथा आ रहा, क्योंकि उनसे हमारा प्रेम है, उनसे हमारा मन लगा है, तो जिससे मन लगा होता है उसकी चर्चा सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन ऐरा गैरा नत्थु कैरा से मत सुनना शुरू कर देना, नहीं तो बुढ़िया पुराण हो जा भैया। भगवान भाई किससे सुनना है, भगवान स्वयं भोले बाबा जाते हैं अगस्त ऋषि से सुनने के लिए, काक भुसुंडी जैसे महापुरुष से सुनने के लिए, सबसे नहीं। राम कथा जे सुनत अघाही। तो दो बातें हो गई सत्संग में, सत्संग का दो स्वरूप हुआ। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा विचार करो, सत्संग का एक स्वरूप है जब प्रभु की चर्चा हो रही है, सत्संग का दूसरा स्वरूप है जब हमारे साधना की अपने आत्मस्वरूप की चर्चा हो रही। अपने आत्मस्वरूप की बात बहुत थोड़ी सी सुनो, उसको जीवन में लाओ और भगवान की कथा सुनते रहो, सुनते रहो। ये दूसरी भक्ति है, हे सबरी माँ मेरी कथा सुनते सुनते कभी तृप्त। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी रति मम, मम कथा, मेरी कथा सुनने में रति हो। बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत गौर से समझना। रामचरितमानस के सिद्धांत को समझो। रामायण के शुरुआत में एक प्रसंग आया है कि भगवान शंकर जी ध्यान करने गए हैं, उनके ध्यान करने के समय में पुष्प धनवा कामदेव आता है। काम की पत्नी का नाम है रति, पांच सायक हैं, पांच उसके पास बाण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आकर के भगवान शंकर जी के सामने कामदेव रति सबने नृत्य किया, सारा का सारा भगवान के ध्यान को बाधित करने के लिए प्रयास किया, भगवान का ध्यान टूट जावे। और जब भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला विवेक का, कामदेव भस्म हो गया। रति ने प्रार्थना किया, भगवान ने कहा कोई बात नहीं रति, घबराओ मत, एक काम भस्म तो हो गया लेकिन अब ये आज से इसका नाम अनंग हो जावेगा, बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। द्वापर में एक भगवान कृष्ण का पुत्र बन के आएगा, तब तुमको फिर से मिल जाएगा, धैर्य रखो। रति को आशीर्वाद दिया, रति पर अनुकंपा किया, कामदेव को भस्म किया। कभी गहराई से मत हो इस बात को। अपराध दोनों का बराबर था। जब कामदेव और रति दोनों भगवान के ध्यान में बाधा देने के लिए आए हैं तो अपराध तो दोनों का बराबर है ना। जब अपराध दोनों का बराबर है तो एक को तो भस्म किया जा रहा है और दूसरे पर करुणा बरसाई जा रही है। हमको रति चाहिए, काम से रहित रति।
काम के साथ अगर रति होगी, कामना प्लस रति संसार ही है, काम प्लस रति ये संसार है। रति होवे कामना ना होवे महाराज ये ब्रह्म सुख माना जावे, ये परमात्मा का सुख माना जाता है। रति माने आनंद। आप याद करना भरत जी ने यही मांगा था, धर्म न अर्थ न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति। रति माने रमण, रति माने आनंद, रति माने रस। रस चाहिए, जीव को रस की इच्छा है, सुख की इच्छा है, मैं सुख चाहता हूं। आपको सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, रति है, सुख मिलता है तो आप आते हो। जमीन पे बैठ के हम कथा सुन रहे हैं, थोड़ा शरीर में दर्द होगा सह लेते हैं, क्यों? क्योंकि सत्संग सुनने में हमारा हृदय गदगद होता है। शरीर को तकलीफ भले होवे लेकिन मन को रति मिलता है। यहां आपकी कोई कामना नहीं है, दो डांट भले मिल जावे फिर भी मैं आऊंगा, क्यों? क्योंकि हमको आनंद चाहिए। जीव आनंद चाहता, सुख चाहता है, वो सुख होवे और कामना ना होवे, अरे महाराज क्या कहना, ये शुद्ध प्रेम हो जाएगा। कामना से रहित सुख वो हमारे कन्हाई का प्रेम हो जाएगा, वो हमारे राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम हो जाएगा। वो स्थिति को ले आओ, हृदय में एक आनंद हो। कभी सत्संग सुनते सुनते हृदय गदगद हो जाता है, बढ़िया लगता है हमारा हृदय एक, कभी कभी मुझको सुना करके अच्छा लगता है। क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, भगवान की कृपा से सब अपन जो जरूरत है वो पूरा कर देता है, मेरा नारायण पूरा कर देता है। चाहिए क्या? कुछ अच्छा लगता है, आनंद आता है। कभी आप सोचो, आप ये मत सोचो कि हम सत्संग सुनेंगे तो पुण्य मिलेगा, भूल जाओ। ये मत सोचो कि सत्संग सुनेंगे तो हमारा परलोक, भूल जाओ, लोक परलोक भूल जाओ, पुण्य पाप सब भूल जाओ, बस सत्संग सुनने में अच्छा लगता है, आनंद आता है। दूसर रति मम कथा। हाँ अच्छा, भगवान शंकर जी को क्या चाहिए जो कथा सुनने के लिए दौड़े जा रहे हैं अगस्त ऋषि के पास, कभी हंस बन के काक भुसुंडी जी के पास, चाहिए क्या उनको? कभी संत लोग बैठकर, सनत कुमार को अब आवश्यकता क्या है कि एक सनत कुमार बैठ जाते हैं व्यासपीठ पर, तीन भाई उनके बैठ गए सुनने के लिए, आपस में ही भगवान की चर्चा कथा सुनना और सुनाना। महाराज ये भगवान की कथा के सुनने का रस जिसको मिल जाए ना, उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर राम रस मिल जावे तो संसार के सारे रस हो ही जाते हो फीको। उसका नाम है रति। हृदय हृदय का आनंद है, मेरे हृदय का एक उल्लास है, एक महिमा है, मैं अपनी मस्ती में हूं। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, वो दूसरी भक्ति है। कभी कथा सुनते मैं वो नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, हाँ कथा सुनते सुनते मस्ती तो आती है, कथा सुनते सुनते खूब मस्ती आती है। कब? जब कैमरा हमारी तरफ आता है तब, है नहीं, वो असली नहीं। चैतन्य महाप्रभु, रामकृष्ण परम, रामकृष्ण परमहंस जब नृत्य करते थे उनका धोती खुल जाती थी कई जगह, चैतन्य महाप्रभु एक बेसुध होकर के गिर जाते थे, वो हृदय का एक आनंद। झूसी में, प्रयाग में, झूसी में श्रीमद वल्लभाचार्य जी झूसी में रुके, चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में आए गंगा जी के इस पार। चूंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज गृहस्थ हैं, सूरदास जी के गुरुदेव हमारे छह आचार्यों में से महान आचार्य पुष्टि मार्गी वल्लभाचार्य जी का हम लोग बहुत सम्मान से नाम लेते हैं, हमारे अद्वैत वेदांत के बहुत नज़दीक तक वल्लभाचार्य जी हैं, शुद्धाद्वैत। वल्लभाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए गए, आपस में चर्चा हुई, प्रभु की चर्चा हुई, वल्लभाचार्य जी ने न्योता दिया हमारे यहाँ आके थोड़ा प्रसाद पा लें, हम गृहस्थ हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है कल ले चलना। दूसरे दिन वल्लभाचार्य जी महाराज नाव पर बिठाए उनको, प्रयाग में नाव पर बिठा के ले चले झूसी की तरफ जहाँ रुके थे, और रास्ते में जो नीला नीला जल दिखाई पड़ा जमुना जी का, मेरा तन्हाई बुला रहा है, नाव से कूद पड़े। जमुना जी कह रही है किले को उस तरफ जहाँ देखोगे, नाव से कूद पड़े, मेरा कन्हाई इस रूप में आया है। ओ महाराज मल्ला उल्ला कूदे, उनको पकड़ के निकाला,
नाव पर बिठाया, पकड़ के रखा, ले आए, उनको कपड़े पहनवाया, भोजन वोजन कराया, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, जो भी भक्त समाज थे वहाँ पर, महाप्रभु आए, महाप्रभु आए, भगवत चर्चा हुई। जब वहाँ से विदा हुए, चलने लगे, तो अड़ोस पड़ोस के भक्तों ने कहा, भगवान कल मेरे यहाँ भी जूठन गिरा दो, चरण डाल दो, मेरा घर भी पवित्र हो जाए। वल्लभाचार्य ने कहा, कोई दोबारा बोलेगा नहीं, जितना मोहल्ले वाले हो, मैं सबको कह रहा हूँ, जिसको लाना होवे, जिसको न्योता देने वाला देना होवे, खुद जावे ले आवे, इनका भरोसा नहीं कब नदी में कूद जावे, हमको संभालना पड़ता है। जिसको अपना घर पवित्र करना हो, वहीं जाओ न्योता दे और वहीं से इनको ले आओ, छोड़, मेरी जिम्मेदारी खत्म। जब हृदय में प्यार उमड़ता है तो फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। दूसर रति मम कथा प्रसन्न, भगवान की कथा सुनने में आनंद, उस समय कुछ और ना दिखाई पड़े। अगर आपको भगवान की कथा सुनते समय कुछ और दिखाई पड़ा, गड़बड़ इतना हो जावे कि क्या कहूं, याद आ गया, भगवान शंकर जी कथा सुनाने वाले, भाव में डूब के कथा सुना रहे, सती जी बैठ के सुन रही हैं, स्थान है दिव्य कैलाश, दिव्य कैलाश रूपी स्थान, भगवान शंकर जी जैसे कथा के वाचक, सती जी जैसी श्रोता, और कथा सुनते सुनते बड़े सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं। अच्छा, विमान दिखाई क्यों पड़ा उनको? देवताओं की स्त्रियां सजी धजी जा रही हैं, दिखाई क्यों पड़ा उनको सती? अगर कथा के सुनने में उनका मन लगा होता, रति होती, कथा सुनने में उनकी रति हो गई होती, तो विमान, वो देवता की स्त्रियां, वो देवता, वो उनको दिखाई ही ना पड़ते। जब दिखाई ना पड़ते तो आगे की शायद समस्या ही ना होती। आप लोगों को भी सड़क पर दिखाई पड़ता है, कौन आया गाड़ी से, कौन गया, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, देख लो। अब यहाँ पर सड़क के किनारे हम लोग बैठे हैं, कई संत लोग, उठ जा, जा वहाँ पर देख, या जा देख, कल आना, फिर कल की क्लास में आना, आज देखा खाए के लिए। दुनिया दुनिया को 50 साल देखे, अभी दिल भरा नहीं। 50 साल तो दुनिया को देखे, उसी सड़क पर लोग भाग रहे हैं, ट्रेन में भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, और फिर सत्संग में 1 घंटे के समय में भी दुनिया को क्यों देखना? पूज्य पाठ डोंगरे जी महाराज, वो बिल्कुल ऐसे नज़र झुका के प्रवचन करते थे, 3 घंटा ऐसे नज़र झुकाए, वो कहते थे किसी से नज़र मत मिलाओ दुनिया वालों से, दुनिया वालों से नज़र मिलाओगे, नज़र के रास्ते दुनिया आपके दिल में बैठ जाएगी, जहाँ कन्हाई को होना चाहिए वहाँ दुनिया बैठ जाएगी, मत देखो संसार को। दूसर रति मम का, ये दूसरी भक्ति है। हाँ, संत के पास जाके फिर आप चकाचौंध मत होइए, आप भगवान के आनंद में डूबो ना। कभी मंदिर जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, मंदिर में गया ठाकुर जी से मिलने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए, और लगभग संसार के सारे साधकों का जीवन होता है, मंदिर में जाते हैं, भगवान जी हो जाते पीछे, वहाँ का चित्र, वहाँ के खंभा, वहाँ का दीवाल, वहाँ का व्यवस्था, वहाँ के पंडे, वहाँ के पुजारी, वहाँ का प्रसाद, सब दिखाई पड़ने लगता है हमको। कितना बढ़िया बढ़िया खंभा है, कितना बढ़िया जो है मंदिर बना हुआ है। मंदिर देखने गया था कि भगवान को देखने गया था? अपने मन को थोड़ा तौलना। दूसर रति मम, भगवान की कथा सुनने में बिल्कुल हृदय डूब जाए। अब ज़्यादा ना डूब जाए, नहीं तो आगे का प्रवचन नहीं हो भैया। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, तीसरी भक्ति है, दो भक्ति, पहली भक्ति सत्संग, मैंने संत के विषय को कल भी आज भी ले लिया, दूसरी भक्ति है संत। दो तरह का सत्संग सुनावेंगे, एक अपने आत्मज्ञान की बात, मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रभु की चर्चा करेंगे। जब प्रभु की चर्चा करें तो उसमें डूब जाओ आनंद। अब फिर अब 2400 घंटे तो सत्संग नहीं सुनाते रहेंगे ना गुरु जी,
भाई सुनाते सुनाते थक जाएंगे, एनर्जी का बहुत लॉस होता है बोलने में, तो हमारी भी ताकत की एक सीमा है। अब हमेशा नहीं सुनाता रहूँगा ना, तो जब थक जाऊँ तो थोड़ा बहुत पानी उनी पिला दिया करो फिर। ये नहीं महाराज आप तो आत्मा हो, आत्मा को ना भूख लगती है ना प्यास, आत्मा ना आती है ना जाती है, आत्मा को क्या गर्मी और सर्दी। महात्मा लोग कहेंगे ऐसा आत्मा ज्ञान वाला जो प्राणी है ना उससे दूर ही से रहो। कई लोग हो सकते हैं महाराज अब आप तो आत्मा हो आत्मा, अरे थोड़ा बहुत पानी पिलाओ, कभी कभी मिठाई उठाई खिला दिया करो। अब मैं अब रामायण पढ़ लेना, लिखा है गुरु पद पंकज सेवा, गुरुदेव की सेवा। नहीं नहीं रामायण में लिखा है गुरु पद चरणों की सेवा। अब ये थोड़ी कि मैं चरण ही दबाऊंगा आपका, गुरु जी कहें अरे हमको सोना है, अरे महाराज गुरु पद पंकज सेवा आप सोए रहो बस। थोड़ा अकल भी चाहिए, सेवा के लिए भी विवेक चाहिए भैया। सेवा भी बहुत अकल वालों का काम होता है। हमारे उड़िया बाबा महाराज, उड़िया बाबा को हम लोग जो है साक्षात भगवान शिव का स्वरूप समझते थे, नाम बहुत कम लोग जानते हैं। कल मैंने कहा था नाम उनसे पहचान नहीं होती। नाम पथिक जी महाराज, पथिक जी का नाम कोई जानता हो, दर्शन बहुतों ने किया होगा, बहुत महान संत हमारे परम श्रद्धे। बिरला कोई जानता होगा नाम, असली नाम बिरले कोई जानते हो, पथिक जी महाराज उड़िया बाबा, उनका नाम पूर्णानंद तीर्थ था उड़िया बाबा महाराज का। उड़िया बाबा महाराज को भगवान शिव, वो अपनी महिमा में रहते थे और ऐसा ऐसा लोग कि उनको बिठा के चौकी पर, वो एरिया सब हमारा उन्हीं महाराज का, हरि बाबा उड़िया बाबा अभी जहाँ से मैं आया, उनको बिठा के उनका अभिषेक करते थे, उनको टीका पूजा करते थे लोग भगवान शिव का, जैसे आप लोग रुद्राभिषेक करते हो। कासगंज की घटना है, कासगंज में उड़िया बाबा महाराज गए थे, पैदल ही चलते थे। महाराज क्या चैन की नींद आती रही होगी उड़िया बाबा को, ट्रेन में बैठे थे टिकट लेके ट्रेन में बैठे और ऐसा सोए कि जहां उतरना था उससे 3 स्टेशन आगे चले गए। आप लोगों को 4 स्टेशन पहले से नींद गायब हो जा भाई, उतरना 3 स्टेशन आगे चले गए। जब टीटी आया, ए बाबा कहाँ उतरना तुमको, यहाँ उतरना था, यहाँ कैसे आगे। बड़े भद्दे शब्द टीटी ने बोला उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में। उड़िया बाबा ने मन से उसी दिन संकल्प कर लिया, आज के बाद तेरी ट्रेन में कभी बैठूंगा ही नहीं। और उसके बाद पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने ट्रेन में नहीं बैठे, जीवन पर्यंत, बिल्कुल आखिरी समय में कार में बैठे, नहीं जीवन पर्यंत, फिर बाद में कार में भी नहीं बैठे, पैदल चला करते थे गंगा जी के किनारे। आखिर में जब स्वास्थ्य खराब हो गया था तो महाराज श्री अखंडानंद महाराज, माँ आनंदमयी, इन लोगों ने जोर दिया तो कार में बैठ के कहीं गए। ऐसे महापुरुष कासगंज में थे, उनको रात में हरारत हो गई, बुखार आ गया। वहाँ के 2-3 भगत, उनको तो क्या भगवान उड़िया बाबा महाराज का पूजन करना है, सवेरे ले आए घड़ा उड़ा, उड़िया बाबा महाराज का स्वागत किया, बिठाया, खूब नहलाया उनको, हर हर गंगे। बुखार और चढ़ गया और चढ़ गया, उड़िया बाबा महाराज कुछ बोले भी नहीं, बुखार और चढ़ गया। हरि बाबा महाराज थे, ये सब महापुरुषों की बात। हरि बाबा महाराज ने 4-5 मोटे मोटे उधर संभल जिला, उधर ही ज़्यादा रहते थे, मोटे मोटे लोगों को लाठी लेकर के उड़िया बाबा के चारों तरफ चौकीदार खड़ा कर दिया, अगर कोई घड़ा ओड़ा लेके आवे जलोल तो डंडा मार के उसको भगाना। समझते नहीं उड़िया बाबा को बुखार है और उनको नहलाने आए हैं। अरे कम से कम ये तो देखो भैया की सेवा करने के लिए क्या जरूरत है। डॉक्टर ने मना किया है महाराज को मिठाई मत खिलाना और ले करके आप चले आ रहे हो, महाराज रसगुल्ला खाओ। वैसे हमको मना नहीं किया है, वो मैं दृष्टांत बता रहा हूँ। सेवा करने के पहले समझो, हमारे दादाजी हैं, नाना जी हैं, गुरुदेव हैं, गुरु पद पंकज सेवा। सेवा में बहुत विवेक चाहिए, विवेकवान ही सेवा कर सकता है।
मूर्ख आदमी सेवा भी नहीं करेगा, समस्या पैदा करेगा। ना समझ आदमी अगर सेवा करने आएगा तो मुसीबत पैदा करेगा। सेवक धर्म को पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत में तीसरे स्कंद में जहाँ जय और विजय की कथा है वहाँ पर वर्णन आया है, प्रतिकूल शीलो। जय और विजय के लिए एक शब्द प्रयोग किया, प्रतिकूल शीलो, अपने स्वामी के शील के प्रतिकूल जो व्यवहार करता है, उल्टा जो व्यवहार करता है वो सेवक हमेशा दुख देता है। स्वामी चाहते हैं कि इस व्यक्ति के साथ बैठ के हम प्रणाम करेंगे, इसको नमस्ते करेंगे, और सेवक उनको गाली देवे, प्रतिकूल व्यवहार हो गया, प्रतिकूल सेवा। ऐसे ऐसे भाव हैं वहां पर। भगवान संतों के चरण धो के चरणोदक लेते हैं और जय और विजय वहां पर डंडा अड़ा करके पहरा दे डांटते। बस एक चीज और, सेवा में विवेक हो, नंबर एक याद रखना, सेवा में विवेक हो। दूसरी चीज है सेवा में कि सेवा करते समय थोड़ा अकड़ ना आ जावे, देखा देखा मेरे से बड़ा कोई सेवक नहीं है, आज मैंने गुरु जी की कितनी सेवा किया। अमान आकर गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, मैं सेवा करके बड़ा नहीं हुआ, उनकी महिमा है कि उन्होंने मेरी सेवा को स्वीकार किया। वो मना भी कर देते तो संत की अपनी मौज है, ना लेते मेरी सेवा, उन्होंने स्वीकार किया मेरी सेवा को। अमान, ऐसा मत समझना कि मैं तो सेवा करके बहुत महान हो गया। अभिमान पूर्वक जब कोई सेवा करने जावेगा तो मुसीबत पैदा करेगा। नानक देव महाराज मर्दाना के साथ में और दो तीन शिष्यों के साथ में जा रहे हैं, एक गांव में उनको कई लोगों ने गाली दिया, किसी ने डंडे मारा, पानी भी नहीं पूछा। जब वहां से चलने लगे तो नानक देव ने कहा सब लोग यही बने रहो, यही रहो, सुखी रहो। अगले गांव में गए, वहां शाम गुरु के सारे गांव के लोगों ने स्वागत किया, मुखिया वहां का, सरपंच, प्रधान, सब ने जल ला करके, भोजन आदि ला करके खूब सेवा किया गुरुदेव का, नानक देव महाराज का, मर्दाना का, जितने उनकी संगत थी। शाम को भजन खूब हुआ, सत्संग हुआ, आनंद की धारा बही। सवेरे जब नानक देव महाराज चलने लगे तो उनका सब बिखर जाओ, पूरा गांव के लोग बिखर जाओ। और मर्दाना को अजीब सा लगा जब वहां से चल पड़े, गुरुदेव आप क्या आशीर्वाद दिए, वो दुष्ट लोग थे, उनको तो आपने कहा सब यही रहो, सुखी रहो, ये लोगों ने बड़ी सेवा की, आपने कहा बिखर जाओ। नानक देव ने कहा वो दुष्ट थे, जहां जावेंगे दुष्टता ही फैलावेंगे, अपने लिए भी मुसीबत, चार के लिए और मुसीबत, तो वहीं रहें तो अच्छा है, लड़ते झगड़ते ये कहीं गांव में, दुष्ट आदमी ये कहीं गांव में लड़ते झगड़ते पड़े रहें बहुत बढ़िया। और ये गांव वाले बहुत अच्छे हैं, सज्जन हैं, देखो करुणा है, दया है, संतों की प्रसन्नता है, ये जितना बिखर जावेंगे उतना ही इनकी सुगंध और भी ज़्यादा। अपनी अपनी दृष्टि की बात है, कम से कम सेवा करने के लिए बहुत अकल चाहिए। विसृज्य कामम लोभम अघम मदम, ऐसे शब्द हैं, आप रामायण का वो दोहा पढ़ना, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान अभिमान ना होवे, दिखावापन ना होवे, कोई दिखाने से ही सेवा नहीं होती। वैसे सही बात कहूँ, बिल्कुल सही भाव तो ये है कि सेवा माने हृदय के भाव को समझ के वैसा व्यवहार करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आपके दादा दादी के मन को समझ के अगर पोता कर लेता है, दादा दादी का हृदय आशीर्वाद देगा, वही सेवा है। हमारी बात मानना ही सबसे बड़ी सेवा। मम अनुशासन मानै जो, आप हमारी बात मानो ना और कहो हम आपके बहुत बड़े सेवक हैं, नहीं हो, क्योंकि कोई भी संत नहीं प्रसन्न होगा, कोई भी संत नहीं होगा। भैया तीसरी भक्ति है, फिर उनकी सेवा करो। से मैंने पहले कहा था याद है ना, दर्शन से पापों का क्षय, सेवा से पुण्य मिलेगा, और उनके ज्ञान से
हमारे अज्ञान का नाश होगा, अविद्या का नाश होता है। बिना सेवा के पुण्य नहीं मिलता। और ये तो महाराज वो जैसे कहते हैं प्रज्वलित अग्नि है, शांत एक जिनके भीतर ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित है। जैसे आप अग्नि में आहुति देते हो, वो आपको वो आहुति परलोक तक ले जाती। ये ही इति उपनिषद ने कहा, वो जो मैं आहुति देता हूँ प्रज्वलित अग्नि में, वही आहुति ये शरीर छोड़ने के बाद अति दैहिक देह को रास्ता मार्ग दिखाती है, शुक्ल मार्ग से ले जाके दिव्य लोक तक ले जाती हैं। ऐसे जिनके भीतर ज्ञान की ज्योत प्रज्वलित है, उनकी सेवा आपके न जाने कितने पुण्यों का सृजन करते। ना जीवन में सब कुछ हो जाता है, भौतिक जगत भी सुखी हो जाता है, बाहर से भी सुखी, भीतर की तो बात कहने ही क्या। लेकिन सच्चे मन में से चौथी भगत देखना, चौथे भगत मम गुण गना करई कपट तजिगान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगत मम गुण गना करई कपट तजिगान, सियावर रामचंद्र की। आप इस क्रम को देखते जाना तब आपको समझ में आएगा। चौथी भक्ति है कि फिर क्योंकि गुरुजी के पास मैं हमेशा नहीं रह पाऊंगा ना, उनका सत्संग थोड़े समय का होगा, सेवा थोड़े समय के लिए मिलेगी। आप मैं वृंदावन गया गुरुजी के आश्रम में, दो चार दिन रहा, मैं घर आ गया, मैं संसार। तो चौथी भक्ति क्या है, जो वहाँ से लेके आए हो, जो वहाँ सुन के आए हो प्रभु की चर्चा, फिर उसको आप यहीं पर अपने घर में बैठ करके उसी की चर्चा करो, उस ज्ञान की चर्चा करो, प्रभु की चर्चा करो, फिर संसार की चर्चा में रस मत लो। करई कपट तजि गान मम गुण, फिर प्रभु की चर्चा अच्छी लगे आपको, भगवत चर्चा अच्छी लगे। वैसे आपको सही कहूँ तो आप जितने घर में लोग हैं सब लोग सत्संग में नहीं आते हो। कोई भगत सबसे ज्यादा सत्संग का प्यारा होगा, प्रेम होगा किसी का, तो घर में से पांच प्राणी सत्संग में आवेंगे, एक आदमी को कहेंगे चौकीदार बन के घर रखवाली कर। आजकल चोर उचक्के बहुत बढ़ गए, लगभग कोई ना कोई तो घर पे रहते हैं, बहुत कम लोग होंगे जो ताला बंद करके आते हैं, होंगे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम। तो आप सत्संग में सुन के जाओ जो अच्छा लगे, जो नहीं आया था घर से सत्संग उसको पकड़ के वही सुनाओ जबरदस्ती, वो चाहे सुनना चाहे और चाहे ना ना। आप लोग भी बच्चों को बिठा करके थोड़ी देर के लिए टीवी बंद कर दो और आज हम ये सुन के आए थे, पक्का समझना वो कहेगा अपना प्रवचन बंद करो। वो यही कहेगा, घर में वो सुनना नहीं चाहता, लेकिन जब आप उसको पकड़ के, मैं कह रहा हूं जबरदस्ती भी अगर आप उसको सुनाओगे तो एक परिणाम होगा कि आपको सत्संग की बात पुनरावृत्ति हो गई, याद में आ जाएगा। अनभ्यास विषम विद्या, जिस विद्या का अभ्यास नहीं किया जाता वो जहर हो जाता है, भोजन पचता नहीं तो जहर हो जाता है। आप जिस विद्या को बार बार आवृत नहीं करोगे भूल जाएगा। बचपन में सभी को राम का रूप याद रहा होगा, रामा रामो रामा। अब पूछूं तो पंचमी विभक्ति में क्या होएगा, बचपन में सबने रट्टा लगाया था, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं। दो दिन अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा, दो दिन अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। तो ऐसे सत्संग में जो सुना है विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा, क्योंकि इसकी आवृत नहीं होता। तो जो नहीं आया था उसको सुनाओ ना उसको अच्छा। अब दोनों बातें हैं, अगर उसको अच्छा लगेगा, मान लो अच्छा लगेगा, तो आपकी पुनरावृत्ति हो गई, उसको भी अच्छा लगा, दोनों काम बन गया। और अगर उसको अच्छा नहीं लगा, महाराज सोने में सुहागा, आपका समय बचा,
दुनियादारी की चर्चा से समय बचाओ। अगर आप उसके साथ बैठे, उसको सत्संग की बात अच्छी नहीं लगती तो बात क्या करेगा? घर की, परिवार की, निंदा की, बुराई की, यही तो करेगा। दुनिया भर के कचड़े से हमारा मन बचा। कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी हमारे समाज में स्वीकार नहीं करेगा कि मेरा पड़ोसी आदमी घर में झाड़ू लगावे, कूड़ा कचड़ा उठा के मेरे घर के आंगन में डाल देवे। किसी को पसंद है मैं अपना कूड़ा कचड़ा तुम्हारे आंगन में डालूं? वैसे महाराज, आदमी डालता कब है पता है? जब बगल वाला घर आधा बना हो तभी डालता है। आप मोहल्ले वाले सब याद होगा, हमारे घर के बगल वाला घर जो है पूरा फिनिश ना हुआ हो, आधा उधा होगा, पूरा नहीं बना है ना। मौका देखूंगा, डलिया भर उठा के प्लास्टिक में बंद किया, फेंका और अच्छा पूरा घर बना हो बगल वाला डालो, 10 बार सोचोगे नहीं डालो। ऐसे जिसका मन रूपी घर, हृदय रूपी घर पूरा बन गया होगा सत्संग का, उसको कोई दुनिया संसार वाला उस संसार की बात नहीं सुनावेगा। और जिसका मन में दुनिया भर की बातें दूसरे सुना जाते हैं, समझना अभी उसका घर पूरा बना नहीं। आगे कह रहे हैं बाउंड्री वाल बनाए हैं अभी तो बाउंड्री वाल बनाए हो और घर अभी बना है नहीं पूरा, तो जो आवेगा प्लास्टिक का कूड़ा, फल का छिलका, गंदा वंदा, ये झाड़ू सब यही तो डालते हैं समाज के लोग। हम कैसे स्वीकार करते हैं? मेरे घर में दूसरा कूड़ा डाले मैं लड़ूंगा? मेरा दिल भी तो एक घर है, मेरा मन भी तो एक घर है। तेरे मन मंदिर में राम, तो अपने मन में दुनिया भर का कूड़ा क्यों डालने देते हो? कोई संसार की निंदा बुराई करे, भाई चुप रहो, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, मुझको किसी से बुराई मत करो, मुझको नहीं सुनना दुनिया की बात, मुझको नहीं सुनना ये संसारी चर्चा। अलम बहुत हो गया, अन्य चिंतनम आसु त्यक्त्वा वैराग्य राग रसको भव भक्त निष्ठा। अगर चर्चा करनी है तो परमात्मा की करो, संसार की चर्चा बहुत हो गई। यही तो करते करते 50 साल बीत गया, 60 साल बीत गया, अभी भी। अब तो जागो, मम गुण गन, मेरे गुणों की चर्चा करें। प्रभु ने कितनी कृपा किया है महाराज, प्रभु के गुण क्या कहूँ, इतनी बड़ी करुणा है प्रभु की। कम से कम आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर इतनी प्रभु की कृपा हुई कि जब प्रभु की कृपा हुई तो आप चिल्लाए थे, लेकिन आज उसका सुख पा रहे हो। कई लोग कहते हैं जब अपने घर से आए थे तो एक थाली लोटा लेके आए थे लखनऊ, कुछ था नहीं, उस समय तो बड़ा दर्द हुआ होगा जब आए, लेकिन वो प्रभु की कृपा थी, वो नारायण की कृपा थी। आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो? अगर उसी गांव में रह जाते शायद आप, तो जैसे गांव की मानसिकता होती वैसे आप भी रह जाते और आपके बच्चे भी रह जाते। आप भगवान ने कुछ ऐसी घटना किया, हमको शहर में आके बसना पड़ गया और हमारे बच्चे आज बढ़िया पढ़ लिख गए। बहुत सा एक नहीं हजारों बार अपने जीवन को आप सिंहावलोकन करो बचपन से आज तक। जब परिस्थिति आती है तो मैं बेचैन हो जाता हूं, लेकिन उसमें नारायण की करुणा छिपी होती है। आप घबराते क्यों? महाराज परमात्मा आपकी कदम कदम पर रक्षा कर रहे हैं। कौन ते प्रतिजानी है ना मैं भक्ता, जो एक बार सत्संग में आ गया, परमात्मा के मार्ग पर चल पड़ा, उसका कभी नाश नहीं होता, उसका कभी पतन नहीं होता। ये पतन होता संसारियों की बात है, भक्त का कभी पतन नहीं होता, भगवान के प्रेमियों का कभी पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति साधुरेव समन्तव्य अपिचे सुदराचार। कोई ऐसा वाल्मीकि जैसे कोई भयंकर पापी से पापी आदमी भी अगर मेरा भजन करे उसी क्षण उसको साधु समझो। परमात्मा की कितनी कृपा है, कम से कम शाम को भोजन कहाँ से मिलेगा उसकी चिंता नहीं है, छत है घर पे, भले किराए का हो परवाह नहीं है, तो ना सर्दी गर्मी से बचाव के लिए कम से कम 2 वस्त्र तो हैं हमारे शरीर पे। अरे क्या नारायण, अरे मेरी आंख ठीक ठाक है, मैं देख रहा हूं,
मेरा पांव ठीक ठाक है, ना जाने कितने सड़क पर ऐसे जा रहे हैं बेचारे। आप इसी लखनऊ में देखो ना, यहीं मुंशी पुलिया पे यहीं रहने वाले देखो, बीच के सड़क के डिवाइडर पर वहीं खाना बना के बेचारे दिन भर मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी, बीच डिवाइडर पर खाना बना के वहीं सो रहे हैं, दोनों तरफ से ट्रक गुजर रहे हैं। कभी देख के नारायण को थैंक्स बोलो, हे परमेश्वर आपकी कितनी बड़ी कृपा, हजारों लोग बीच सड़क पर सो रहे हैं, मुझको एक छत तो है। प्रभु की बहुत करुणा है यार, बहुत कृपा है आप पर, बरस रही है। मम गुण गन करे कपट तजिगा, जो ऐसे फिर कोई कपट ना हो। कपट, कपट माने पट, पट माने पर्दा, कपट जैसे घूंघट, छुपाने का काम जो करे उसका नाम होता है कपट। अंदर कुछ होवे दिखावे कुछ, उसका नाम होता है कपट। हो भीतर कुछ दिखावे कुछ, उसका नाम होता है कपट। भक्ति के मार्ग में कपट नहीं चाहिए हमको। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल चित्र, मुझको कपट पसंद नहीं, जैसे हो वैसे आ जाओ ना। सवरी सुंदर नहीं बनी थी, मन सुंदर है, भाव सुंदर है। सुंदर बनी थी एक देवी, बहुत सुंदर बन के आई थी, उसके जैसा तीनों लोक में कोई नहीं। वो खुद कह रही थी, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। किसकी चौपाई थी, किसने कहा था वो? तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं तीनों लोक में, मेरी जैसी सुंदर कोई तीनों लोक में स्त्री नहीं। और भगवान ने तो उसको देखा तक नहीं यार, भगवान ने तो सीता जी की तरफ देखा, उधर जा उधर जा, नाक कान कटवा लिया। भगवान शरीर की सुंदरता नहीं, मन की सुंदरता देखते। और सबरी को तीन बार भामिनी कहते हैं, सुन भामिनी, हे सुंदरी सुनो, हे सुंदरी सुनो। कुब्जा को सुंदरी कहा है, मन अच्छा, कोई कपट। और यही जो कपट है, भीतर राक्षसी होवे ऊपर से सुंदर बने, माने कपट। हम जैसे हैं ठाकुर आपके हैं, जैसे हैं। भागवत की कथा शायद मैंने यहां सुनाया था, तो काली नाक का प्रसंग सुनाया था। काली नाग को भगवान ने मारा नहीं था, रमणक द्वीप में भेजा। रमण माने आनंद, वहां जाओ। क्यों? काली नाग कहता, जैसा मैं हूं आपकी शरण में हूं, निग्रहम अनुग्रहम मनने वा, मैं सांप हूं आपने बनाया, मैं सांप आपने जहरीला बनाया, मैं हूं आपने क्रोधी बनाया, मैं क्रोध कर रहा हूं। आपने डसने का काम दिया, मैं डसता हूं लोगों का। जैसा आपने बनाया है वैसा मैं कर रहा हूं। बस एक गलती थी कि आज तक आपको भूला हुआ था, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं, चाहे मारो और चाहे। भगवान ने काली को नहीं मारा, जा अपनी पत्नियों के साथ ये मेरी लीला भूमि छोड़ के चला जा, रमण कर, रमणक द्वीप में चला जा। प्रभु के भक्ति के मार्ग में कोई कपट की जरूरत नहीं, दिखावे की जरूरत नहीं। हम जैसे हैं नारायण आपके हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे हैं। हमारे हृदय में कोई भाव खराब है, वो आपने दिया, आप सुधारो। पूर्ण शरणागति कितनी महिमा है महाराज। पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृण विश्वास, पंचम भजन सो भेद प्रकाश। मंत्र के जाप में दृढ़ विश्वास हो, इस बात को वेद प्रकाशा, वेद में बताया गया। स्वयं भगवान कह रहे हैं तो कह रहे हैं वेद में ये बात कही गई है, श्रुति में कही गई, वेद प्रकाशा। अब चूंकि मंत्र की बात आ गई है, वेद की बात आ गई, वेद प्लस मंत्र प्लस दृढ़ विश्वास, तो तीन बातें बड़ी। पांचवी भक्ति में मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ, लेकिन वेद भगवान ने जैसा बताया है तो थोड़ा सा गंभीर विषय हो गया। मन में आ रहा है कि आज ब्रेक लगाऊं, कल इस पर चर्चा करता हूं, क्योंकि मंत्र आजकल बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं। टीवी पर लोग मंत्र बताने के लिए तैयार हैं। कोई तकलीफ है? हाँ तकलीफ है, ये वाला मंत्र जाप करना, बशर्ते हमारी फोन लाइन पर पहले कॉल रजिस्टर कराओ। टीवी पर मंत्र बजाया जा रहा है, पंपलेट में मंत्र बताया जा रहा है। भगवान जब कहते हैं मंत्र तो कोई और ही बात होगी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र के जाप में दृढ़ विश्वास हो। हम लोग अगली भक्ति पर कल चर्चा करते, बहुत बढ़िया बात है मंत्र।
मंत्र वेद ऐसे ऐसे प्रसंग आ गए। याद रखना जो मेरा कहने का मतलब है, दो चीज़ें हैं वहाँ से याद है, प्रकृति और शरीर है प्रकृति और मैं हूँ पुरुष। संसारी आदमी दोनों को गड्ढमड्ढ कर चुका है, जिसने दोनों को अलग अलग के अपने आप को चेतन में बिठा दिया, चेतन अमल से वही संत है। वो दो तरह से बोलते हैं, पहली भक्ति सत्संग हो गई, वो जो बोलते हैं कुछ साधना की चर्चा करते हैं, कुछ प्रभु की चर्चा करते हैं। साधना की चर्चा थोड़ा सुनो, ज़्यादा जीवन में लाओ, प्रभु की चर्चा जीवन भर सुनते रहो। और दूसरी भक्ति, सुनो तो रति हो गए, आनंद हो गए, हृदय उल्लसित हो गए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा अभिमान छोड़ के। चौथी भक्ति है भगवान की महिमा का गान करो, कोई कपट ना हो। आगे पांचवी भक्ति